You are watching Poonch Live. ऐसा मौका कभी कभी आता है जब ऐसी मजलिस हो जिसको यह कहा जा सके कि ये रियल भारत है। तो भारत के इस कोने में जो भारत के सर का ताज है, वहां बैठकर हम असली भारत में, असली इंडिया में आप लोगों के रूबरू हैं। बहुत सारे बात करने वाले बुजुर्गों ने, काबिल लोगों ने दर्शन की बात करी, तो दर्शन तो मुझे आप लोगों का मिला है। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि ऐसा मौका कम मिलता है। वो मौका पूछ वालों ने और मौलाना सईद साहब ने मुझे प्रोवाइड किया, इसके लिए मैं इनका भी और आपने भी आभारी हूँ, शुक्रगुजार। ये मुल्क दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। इसकी खूबसूरती, इसके पहाड़, इसके दरिया, इसके जंगल, इसके रेगिस्तान, इसकी सर्दी, इसकी गर्मी, इसका बर्फ, ये तो है ही है। ये दुनिया में दूसरी भी कुछ जगहों पर मिल जाएगा। हाँ, शायद एक मुल्क में इतनी सारी चीजें ना मिले, लेकिन अलग अलग मुल्कों में खूबसूरती कई चीजों में इससे भी ज्यादा मिल जाएगी। वो एक बड़ी ब्यूटी है, लेकिन रियल ब्यूटी नहीं है। रियल ब्यूटी वो है जो यहाँ के लोगों में है। हम लोग बहुत फख्र के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि मुल्क सेकुलर है, और लोग ऐसा समझते हैं कि इस मुल्क को सेकुलर इस मुल्क के संविधान ने बनाया, पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क को रियल में सेकुलर इस मुल्क की मेजोरिटी ने बनाया, इस मुल्क के लोग, उनकी सोच ने, उनके सिद्धांत ने, उनके जीने के तरीके ने सिखाया। यहाँ के जो लोग हैं, ओरिजिनल लोग जो हैं इस कंट्री के, इस मुल्क के, उनमें दूसरों को समो लेने की ताकत, अपना बना लेने की ताकत है। उस ताकत ने एक रास्ता दिखाया संविधान निर्माताओं को और मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन लोगों को रास्ता उस सिस्टम ने, जो जिस चीज को जीता है ये मुल्क, उसने वो रास्ता दिखाया जिसके नतीजे में ये संविधान आया है। तो संविधान से नहीं बना, बल्कि संविधान उस सोच से, उस आचरण से बना है जो हमारे देश की सबसे कीमती चीज है। हमारा ये अज़्म है, हमारा ये मानना है कि इस मुल्क में, इस देश में बसने वाले लोग समझदार लोग, हर चीज पर कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, कि अपनी सोच के नाम पर, अपनी 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 शक्ति बनाने के नाम पर, हजारों साल के उस इतिहास को, उस सोच को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी चीज आए, ये मेरा यकीन है। फिर मैं यहाँ पर, हमारे सिख भाई बहुत सारे मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों की बात सुनने को मौका मिली, इनकी बात सुन रहा था, तो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि ये वो बहादुर कौम है जिसने मुगलों से लेकर अब तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया। ये साबित किया कि ये सर कट सकता है, लेकिन झुक क्यों नहीं सकता। इनकी सादगी, इनकी सच्चाई, इनकी शराफत,
इनके मोहब्बत करने का अंदाज, आप मोहब्बत करके इनका कपड़ा ले लीजिए, इनका सामान ले लीजिए, जो चाहे ले लीजिए, कुर्बान कर देंगे अपने आप। और जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो कोई आ जाए, कोई आ जाए। मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कहता हूं, नंबर में थोड़े होंगे लेकिन इस देश के बहुसंख्यक मेजोरिटी, इस देश के मुसलमान, सही सोच रखने वाले लोग कभी ये सोच नहीं सकते कि सिख कोई अलग, हमारे सरों का ताज, हमारा सौभाग्य है कि इस धरती से मैं, हमारे बीच में हमारे भाई ऐसे हैं जिनकी पगड़ी दूर से चमकती है, थोड़े भी हैं लेकिन थोड़े वो ज्यादा से वो सरदार है। तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि यहाँ इतने सारे सरदारों के बीच में हूं। तो जो गुण है, खुसूसियत है इस कौम में, इस कम्युनिटी में, बहसियत कम्युनिटी के, इनका मेहनत करना, चपाकश होना, काश हम लोगों में भी आ जाए तो फिर इस देश के और कहां से कहां पहुंचे। मुसलमान इस मुल्क के लिए नया नहीं, लोग इसको दूसरे माने में लेते हैं, लेकिन मैं ये कहा करता हूं हमें इस्लाम इसी धरती से मिला है। कोई साहब बहस कर रहे थे, नहीं आप तो 1400 साल पहले आए। मैंने कहा आप सनातन धर्म की बात करते हैं, हो सकता है जितनी बातें हमें सनातन धर्म में नजर आती हैं, कुछ बातें ऐसे जरूर हैं जिसके ऊपर हमारे और उनके बीच में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन डिफरेंसेस को सेकंड फेज में बात करें और फर्स्ट फेज में उनकी बात करें जो सिमिलैरिटीज हैं, तो हमें ऐसा लगता है यही इस्लाम होगा। और अगर ये इस्लाम हो पाओ और हो सकता है तो फिर सबसे पुराना इस्लाम ही हुआ, सनातन धर्म हुआ, इस्लाम हुआ। तो जहां हम एक चीज को, समानता को ढूंढ सकते हैं, वहां हम डिफरेंसेस को पहले ढूंढेंगे या समानताओं को पहले ढूंढेंगे। तो समझदारी की बात तो यह है कि जो चीजें समान है उनको पहले बात करी जाए, उसको पहले डिस्कशन किया जाए। अगर उन पर पहले डिस्कशन होगा और उस पर इत्तेफाक हो जाएगा तो जिन बातों में डिफरेंसेस है वो तो ऑटोमेटिक बैक बर्नर पे चली जाएगी। तो मेरे लिए मैं ये बात कहता हूं कि मुसलमान के लिए ये हमारा सौभाग्य है कि हमको यह धरती मिली है। परवरदिगार ने, मालिक ने हमको यहां पैदा किया तो कुछ सोच समझ करके हमको यहां पैदा किया होगा कि हमारी कर्म भूमि है, और जब ये हमारी कर्म भूमि है तो हमारे लिए सबसे मुकद्दस जगह, सबसे पवित्र जगह, इसकी रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना, इसके मान सम्मान को बचाना। मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में बहुत सारे मौके आए जब हम अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए था हमको, तो इसलिए नहीं आवाज बुलंद करी है या नहले पर देला या ईट का जवाब पत्थर से देना, तरीका होता है। और कई मरतबा व्यक्तिगत फायदा भी होता है, जाति फायदा भी होता है नहले पे देला करने से। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके नहले पे देला ही किया जाए, उनकी पॉलिटिक्स ही इसी चीज पर है कि उनके नहले को देला कर दिया जाए। लेकिन जो बात हमारे बड़ों से हम तक मिली है, जो बात हमने सीखी है, जो हमने समझा है, खुद से समझा भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है बड़ों से मिल गई है, खुद से समझा भी है, तो हम ये समझते हैं कि इस्लाम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए
इस्लाम सबसे ज्यादा जो बात पर जोर देता है वो ये देता है कि कॉन्फ्लिक्ट से बचो, एराज करो, अवॉइड करो। तो हम अपने इस्लामिक दायित्व को कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं, इस्लामिक जिम्मेदारी और फर्ज कहते हैं, हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो लोग कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं या डालना चाहते हैं वो इंसानियत और मानवता के भी दुश्मन है। तो हम दुश्मन के हाथ का खिलौना नहीं बन सकते। कोई कोई पॉलिटिकल मसलहत नहीं है कि भाई खामोश रहा जाए, इसलिए कि अन्याय का विरोध करना तो जिम्मेदारी है, अत्याचार के खिलाफ बोलना भी मानवता है, और मानवता का सबसे बड़ा कर्तव्य भी यही है कि आप अन्याय का विरोध करें। तो याद रखिएगा, अन्याय का विरोध करने में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम ने ये ऑर्डर दिया है कि जो काफिर हो समाप्त, या उसे ऐसी सिचुएशन कर दो कि वो ईमान ले आए, मुसलमान हो जाए और नहीं तो समाप्त हो, तो ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है ये बोलने वाला। अगर वो मुसलमान है, अनफॉर्चुनेटली अगर वो मुसलमान है, तो उसका विरोध करना मेरे ऊपर पहला दायित्व, न कि अन्याय का, अन्याय करने वालों का विरोध करना, क्योंकि अन्याय में भी जो सबसे बड़ा अन्याय है उसका विरोध करना, उसका अपोज करना पहला काम है हमारा। बड़े अन्याय का पहले विरोध किया जाएगा, छोटे अन्याय को और दूसरे लोग भी देख सकते हैं, या नंबर जब ये इससे निपट लेंगे तो दूसरों को देखेंगे। सो मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है आप लोगों के विचार सुन, जिनके छूट गए हैं उनका अफसोस है, और मैं तो कहूंगा कि ये हमारे आपका नाम फरीद साहब, उनको जरूर सुना जाए, चाहे एक एक मिनट ही हो, और भी जो लोग हैं, क्योंकि हम यहाँ सुनाने नहीं आए, सुनने आए। आप लोगों ने जो बातें, जितनी सारी बातें कही हैं, मौलाना गुलाम कादिर साहब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, एक मतलब उन्होंने मुझे खत लिखा था, वो खत मैंने अपने उस वक्त में तो सदर भी बाई चांस बन गया हूँ, मुझे अभी भी वहां कोई साहब सदर कह रहे थे तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, मैं सदर बनने के काबिल नहीं हूँ, और इत्तफाक से बन गया हमारे सदर साहब का अभी कोविड में इंतकाल हो गया, दो से दो ढाई साल के हिसाब पौने तीन साल को है मुझे, तो मुझे जबरदस्ती बना लिया गया, मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ करता हूँ। इससे पहले जब आपके पास आया था यहाँ तो मैं जनरल सेक्रेटरी ही था, तो अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन साहब थोड़ा लेट आए हैं इसलिए पीछे जगह मिली, तो मौलाना नियाज फारूकी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं हमारे साथियों में से, और बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आए हुए हैं, हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो ये इत्तफाक की बात है कि हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, और मकसद था हमारा हर छह महीने पे एक मतलब हम लोग सब स्टेट के लोग जमा होते हैं, और पिछले छह महीनों में क्या किया है उसका उसकी उसका ट्रैकिंग होती है, और अगले छह महीने की प्लानिंग होती है कि अगले छह महीने में हमें प्राइमरी एजुकेशन में क्या करना है। इस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशन 3,000 से जायद प्राइमरी स्कूल चला रही है मदरसों के अलावा, जैसे इन्होंने मदरसे के अलावा भी बनाया ना, दोनों चीजें चला रहे हैं। और मैं दिल्ली में कल परसों किसी से कह रहा था कि वो उनके मदरसे जितना बड़ा है उससे ज्यादा बड़ा मदरसा उनका स्कूल है, तो इस तरह से हम लोग अपने अपने कामों के उसके लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो मेरे लिए सौभाग्य की खुशकिस्मती की बात है कि मुझे ये मर्तबा यहाँ बैठने का मौका मिला है, बिल्कुल बॉर्डर के इलाके में, और आप लोगों के साथ इसी जिम्न में आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिल गया। आपकी शेर शायरी, मैं सोच रहा था कि किस शेर से बात अपनी शुरू करूं, तो
बहुत सारे शेर मेरे पास लिखे हुए हैं लेकिन मौके के लिहाज से कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए आप हजरात का शुक्रिया अदा करूंगा। और ये चाहूंगा कि क्योंकि ये भारत के सर का ताज है ये इलाका, तो यहां से मैसेज नीचे तक जाए, यहां की यूनिटी का और इसको और मजबूत भी किया जाए। जैसे कह रहे थे कि कम्युनिटी भी है, वैसे थोड़ा सा रहना भी चाहिए, इसी भी क्या बात है कि सबको एक रंग में कैसे रंगेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी होते हैं टकराव भी रहना चाहिए, जैसा हमारा और तरक्की होती है आपस में, मतलब जो एक पॉजिटिव, अगर अगर वही पॉजिटिव हो जाए मुकाबला, भाई हम मुकाबला करेंगे तालीम में, हम मुकाबला करेंगे बहुत बढ़िया, नेकी में, अच्छाई में, शराफत में, कमजोरों के काम आने में, फला फला फला, बहुत सारी बातें कही जा सकती है, तो वो मुकाबला तो होना ही चाहिए हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और इस बात का के यकीन के साथ के भारत की एकता अखंडता, और इस उम्मीद के साथ कि भारत एक मतलब तो फिर और अखंड हो जाए। क्या बात तैयारी है सर, भारत में हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं सर, तैयारी है उनकी? नारा तो है ही तैयारी करता हूँ, जब भारत को अखंड कर लेंगे तो जो मौजूद भारत है उसको अखंड कर लेंगे, एक कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक करने की मंशा है कुछ, काश एक करने की मंशा होती, काश एक करने की मंशा होती, वो मंशा होती तो फिर रवैया स्टाइल सब डिफरेंट होता, लेकिन बहरहाल ठीक है, करने के अपने अपने तरीके होते हैं, जो गलत तरीका भी कर रहा होता है उससे भी कई अच्छे अच्छे काम होते हैं, उन्होंने उसका तस्करा किया, कई अच्छे काम भी किए हैं, आपने शायद तस्करा किया, तो मान लेना चाहिए अच्छे कामों को, हाँ यकीन मान लेना चाहिए अच्छे कामों को, पर एकता को चोट पहुंचाने वाले काम करने वाले लोग माफ किए जाने के बाद इतना भी अच्छा काम कर ले, हाँ जो अच्छा काम करेंगे अच्छी सड़क बना देंगे तो कहेंगे हम अच्छी सड़क है, लेकिन सड़क का नाम भारत नहीं है, जैसे मैंने कहा पहाड़ों दरियाओं नदियों खूबसूरतियां बहुत अच्छी है, हमारे पास सब मौजूद है, सारी दुनिया से ज्यादा मौजूद है और हमें गर्व है उसके ऊपर, लेकिन इंसान अगर नहीं है तो फिर क्या है, तो इंसान बनाने के ऊपर काम करना है, वो हमारी सबकी जो अपनी जिम्मेदारी, उसको तो दोष देने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने हम अपने हम अपने इमोशंस पर काबू रखें, हमारे भी इमोशंस हैं, बहुत कुछ बोलने का मन करता है लेकिन ये देखते हैं कि इमोशंस का इजहार अगर हम करेंगे, इमोशंस को अगर हम प्रकट कर देंगे तो उससे फायदा कम होगा नुकसान ज्यादा होगा, तो नुकसान बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, बोलेंगे वरना सुनेगा कौन मेरी चाक दामानी का अफसाना, सुनेगा कौन मेरी चाक दामानी का अफसाना, यहाँ सब अपने अपने बेरहम की बात करते हैं।